नमस्कार, मैं अनु भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। भारतीय संसद पर आज के दिन हुआ था आतंकी हमला। 13 दिसंबर 2001 को जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, तब उसी समय लश्कर ए तैयबा और जश्न ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 9 लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे। सुरक्षा कर्मियों ने 5 आतंकी मार गिराए थे। दिल्ली पुलिस ने हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु, जाकिर हुसैन कॉलेज के SAR गिलानी, अफसान गुरु और उसके पति शौकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया था। ट्रायल कोर्ट ने अफजल गुरु, शौकत हुसैन और गिलानी को मौत की सजा देने का आदेश दिया था, जबकि अफसान गुरु को बरी कर दिया गया था। लीग ऑफ नेशंस के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव आज के दिन किया गया था स्वीकार। 13 दिसंबर 1920 को न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव निर्विरोध रूप से स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 15 जनवरी 1922 को हेग में स्थायी रूप से न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश, 4 उप न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 11 रखी गई थी। 1931 में न्यायाधीशों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने तक विभिन्न राष्ट्रीय संघ को महत्वहीन समझने लगे थे। इसी के चलते अति आलोचना के बाद राष्ट्र संघ का अंत हो गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आज के दिन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था उद्घाटन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन 13 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। इसकी स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 के अंतर्गत हुई थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सर हारकोर्ट बटलर के प्रयास से केंद्रीय विधानसभा से यह एक्ट पारित हुआ था, जिसे वायसराय लॉर्ड हार्डिंज ने तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी थी। 4 जनवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ था। इससे पूर्व पंडित मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रारंभ 1904 में किया था, जब काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में संस्थापकों की प्रथम बैठक हुई थी। 1905 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रथम पाठ्यक्रम प्रकाशित हुआ था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री स्मिता पाटिल का आज के दिन हुआ था निधन। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। स्मिता पाटिल एक भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेत्री थीं। उन्होंने एक दशक से अधिक लंबे करियर में 80 से अधिक फिल्मों में काम किया, ज्यादातर हिंदी और मराठी में। स्मिता पाटिल को 1977 में पहला नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं 1980 में फिल्म चक्र ने उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। साल 1985 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। स्मिता पाटिल का 31 वर्ष की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को निधन हो गया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।